नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हम व्यायाम सर्वदा पथ्या का विषय पर काफी चर्चा कर चुके हैं और हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि व्यायाम जो है वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। इससे हमको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, फायदे ही फायदे होंगे। और यही फायदों को सुश्रुत कवि ने भी अपने श्लोकों के माध्यम से आपको समझाया है कि व्यायाम शारीरिक सौष्ठव, मनोहरता और सुदृढ़ता लाता है। व्यायामों के कारण हमारे को शरीर में कोई भी व्याधियां नहीं आती हैं और ये हमारे शरीर में जितना हम भोजन, जितना हमारे शरीर में ताकत है, हमको उतना ही अपने भोजन, अपने रहन सहन, अपने खान पीने को देखते हुए हमको व्यायाम करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा खान पान कम है और हम मेहनत उतनी ज़्यादा कर रहे हैं। हमको हमेशा अपने शरीर के मुताबिक व्यायाम करना चाहिए, उसी से हमारे शरीर को फायदा होगा, वरना हमारा शरीर नुकसान में जाएगा। तो छात्रों, इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य का 10वां भाग। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ। छात्रों, श्लोक नंबर 10 ध्यान से देखिए। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। छात्रों, कोई भी श्लोक करने के बाद हमको उसका अन्वय करना होता है और अन्वय करने के लिए छात्रों हमको कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में नियोजन करना होता है सही ढंग। तो आइए श्लोक का भी अन्वय देखें। यदा हृदय स्थान स्थितो वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायामम कुर्वतः जंतो बलार्धस्य लक्षणम। ठीक है छात्रों, नाउ इस श्लोक का थोड़ी ही संधि आई है, उन संधियों को हमको ध्यान में देखना है। तो देखिए छात्रों, इस अन्वय का संधि, यदा हृदय स्थान स्थितो वायु, तो हृदय स्थान स्थितः प्लस वायु प्लस यदा। ठीक है, वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायामम कुर्वतः जंतो बलार्धस्य। तो यहां पर भी संधि हो रही है कुर्वतः जंतो बलार्धस्य में, बला कुर्वतः जंतो प्लस तत् प्लस बलार्धस्य लक्षणम। ठीक है छात्रों, नाउ आइए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं श्लोक में। वक्त्रम का मतलब तो आप लोग पुरानी कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वक्त्रम में मुख होता है, मुंह होता है और प्रपद्यते यानी प्राप्त होती है। तो छात्रों, यहाँ पर अन्वय के माध्यम से श्लोक जो कहा जाए, श्लोक का अर्थ निकाला जा रहा वो ये है कि यदा हृदय स्थान स्थितो वायु वक्त्रम, यदा यानी जब, हृदय स्थान यानी हृदय के स्थान में, स्थितो यानी स्थित, वायु यानी हवा, वक्त्रम यानी मुख को, प्रपद्यते यानी प्राप्त होती है। अर्थात वह क्या कहना चाह रहा है कि जब हृदय में स्थित निवास करने वाली हवा जब मुख को प्राप्त होती है यानी मुंह में आती है, तद व्यायामम यानी वह व्यायाम कुर्वतः यानी करते हुए जंतो यानी मनुष्यों को बलार्धस्य लक्षणम। बलार बल प्लस अर्धस्य, तो बल यानी शक्ति ताकत और अर्धस्य यानी आधी,
तो जब मुंह को आती है या मुख को प्राप्त होती है तो वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षणम यानी लक्षण है। ठीक है, तो जब हम व्यायाम करते रहते हैं शुरू में तो हमको कुछ नहीं होता है, परंतु करते करते जब हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो वायु जो है वो हमारे नाक से ना होकर मुंह से आती है। तो जब वो मुंह से आने लगती है तो वो व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण है, यानी मनुष्य ने अपने शरीर का आधा बल इस व्यायाम में लगा दिया है। ठीक है छात्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जब हृदय में स्थित स्थान में, हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुंह में आती है और मुंह में आने के बाद जब वह हमारे मनुष्य के शरीर से आधे बल का लक्षण व्यायाम का बताती है। ठीक है छात्रों, नाव लिखा हुआ देख लीजिए आप। जब दिल में रहने वाली हवा मुंह में आ जाती है तो समझना चाहिए कि वह व्यायाम करने वाले मनुष्यों की आधी शक्ति है, यही इसका लक्षण है। ठीक है छात्रों, नाव ये श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए इस श्लोक पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नोत्तराणी में पहला प्रश्न है एक पदे उत्तर। पहला, वक्त्रम कह प्रपद्यते, मतलब मुंह में क्या आती है प्राप्त होती है या मुंह को क्या प्राप्त होती है, वायु हवा। नाउ नेक्स्ट वन, किम कुर्वतो जना वायु वक्त्रम प्रपद्यते, यानी क्या करते हुए मनुष्यों के मुंह में वायु प्राप्त होती है, व्यायाम यानी व्यायाम को करते हुए मनुष्य के शरीर में मुंह में वायु प्राप्त होती है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्य उत्तरत। पहला है, अर्ध बल से लक्षणम किम, यानी आधे बल का लक्षण क्या है। तो उत्तर हुआ, व्यायामम कुर्वतो जंतो यदि स्थानास्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तत् बलार्धस्य लक्षणम् अस्ति। अर्थात व्यायाम करते हुए जब मनुष्य के हृदय में स्थित स्थान में, हृदय के स्थित स्थान में वायु जो हवा होती है वो जब मुंह को प्राप्त होती है तो वही आधे बल का लक्षण है। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत। पहला क्वेश्चन देखिए, मुखम इति पद से पर्याय पदम किम, मुख इस शब्द का पर्याय वर्ड क्या है यानी सिनोनिम शब्द क्या है। तो क्या है यहाँ पर प्रयोग किया गया श्लोक में, वक्त्रम। तो वक्त्रम इति पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रपद्यते इति क्रियापद से कर्ती पदम किम, तो प्रपद्यते इस क्रियापद का कर्ती पद क्या है। तो उत्तर है वायु, वायु इति कर्ती पदम अस्ति। प्रपद्यते प्राप्त होती है वायु हवा मुंह से। ठीक है, तो छात्रों ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज आपने श्लोक में पढ़ा कि जब हृदय में स्थित स्थान में वायु मुंह को प्राप्त होती है तो वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण है। ठीक है छात्रों, तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मैं डाउट को पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।